भाग्यलक्ष्मी के अपकमिंग अपडेट में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, भाग्यलक्ष्मी में दिखाया जा रहा है कि जहाँ लक्ष्मी अब ऋषि को जानने लगी है, समझने लगी है, ऋषि पर विश्वास करने लगी है, क्योंकि केरला में जहाँ लक्ष्मी को पहले लग रहा होता है कि ऋषि उसको एक्सपोज करने के लिए आया हुआ है, पुलिस को उसको पकड़ाने के लिए आया हुआ है, पारो को उससे दूर कर देगा ऋषि, लेकिन जब वहाँ की लेडीजें सारी बोलती हैं कि ऋषि लक्ष्मी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लक्ष्मी को समझाती हैं, तो लक्ष्मी जहाँ धीरे धीरे ऋषि पर विश्वास करने लगी होती है, वहीं कहानी में आ रहा है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जब मरीसका को पता चल जाता है, किसी न किसी थ्रू से पता कर लेती है कि ऋषि केरला में गया हुआ है और पारो और लक्ष्मी को हेल्प करने के लिए, तो वह पुलिस को जाकर बता देती है कि लक्ष्मी केरला में है। केरला वहाँ पहुँच जाती है। अब सबसे बड़ा ड्रामा तब होने वाला है कि जब पुलिस पहुँचती है और ऐसी एक सीन क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से लक्ष्मी को लगने लगता है कि इस पुलिस को ऋषि ने ही बुलाया है उसको अरेस्ट करने के लिए और पारो को उसे दूर कर देने के लिए। लक्ष्मी को पुलिस पकड़ के लेकर चली जाती है, जहाँ पे ऋषि कन्विंस करता हुआ दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मी मेरे यकीन करो, मैंने कुछ नहीं बताया है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, पुलिस को हमने नहीं बुलाया है, लेकिन लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाती है और बहुत मायूसी से भरा हुआ रहता है उसका चेहरा और वो चली जाती है जेल। अब देखने कहानी में देखने को मिल रहा है कि देख क्या लक्ष्मी फिर से विश्वास कर पाएगी ऋषि पे कि ऋषि ने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्या मलिष्का के षड्यंत्र अब सफल हो पाएगा।